19 साल की एक अपाहिज लड़की इप्सी, जिसके पैर पैरालाइज्ड है और पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट। उसकी ना कोई फैमिली है, ना ही उसके फैमिली की हिस्ट्री के बारे में उसे पता है। हर तरफ से शारीरिक और मानसिक शोषण से शिकार इप्सी के घर एक दिन एक स्ट्रेंजर आता है, जो खुद को उसका अंकल बताता है। क्या वो सच में उसका अंकल है या एक और शिकारी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की मूवी एक कोरियन साइकोलॉजिकल डार्क और ट्विस्टेड है, जिसे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। मूवी का नाम है द अंकल। डायरेक्टर किम हियोंग जिन और आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। तो दोस्तों, कहानी को एंजॉय कीजिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। चलिए अब शुरू करते हैं। पौधों से भरा हुआ एक कमरा, पर इनकी एक खास बात है, कुछ पौधे मिट्टी से ज़रूरी पोषण लेते हैं, लेकिन जो पत्थरों पे उगते हैं वो फंदा बनाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। इसी कमरे में रहती है इप्सी। इप्सी नाम का मतलब कोरियन में लीफ यानी पत्ती होता है। उनका पौधों से भरा हुआ बगीचा रहा है, जो गांव भर में मशहूर था। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से कई सालों से एक ही कमरे, एक ही बिस्तर में सिमटी इप्सी के कमरे में यही विरासत रखी हुई है। उन्हीं पौधों की तरह वो भी हिलडुल नहीं सकती। लोकल चर्च ऑफिशियल्स और दो सोशल वर्कर जायोंग और मिस्टर किम उसके देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। समय समय पे डॉक्टर भी इप्सी को विजिट करते हैं, लेकिन जैसा कि एक अपाहिज अनाथ लड़की के साथ होता है, हर कदम पे शोषण। सोशल वर्कर जायोंग, जो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इप्सी पे निकालती है, उसका ठीक से ख्याल नहीं रखती, उसे टॉर्चर करती, खाना समय पे नहीं देती, हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहलाती। और सोशल सर्विस इंस्पेक्टर मिस्टर किम, जो जांच करने के बहाने आता है, जिसकी नज़र इप्सी पे एक भूखे जानवर जैसी होती है, उसे इंटेंशली टच करता है। गांव के कुछ बदमाश लड़के रात के समय, जब इप्सी के पास कोई नहीं रहता, खिड़की से उसके कमरे में आते हैं, सारी रात अपना अड्डा वहीं जमाते हैं और उसे गंदे तरीके से परेशान करते हैं। गांव के हर किसी की बुरी नज़र इप्सी पे रहती है, जिससे वो खुद को बचा भी नहीं सकती। जायोंग एक मॉडल बनना चाहती है, जिसका झांसा देकर मिस्टर किम उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, जिसका पता इप्सी को भी होता है। यहाँ लोकल चर्च का मैनेजर शिन इप्सी को विजिट करने आते हैं और सोशल केयर वालों को इप्सी की अच्छी तरह से देखभाल करने को कहता है। सब कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। इप्सी कमरे में बाकी पौधों की तरह कोने में पड़ी हुई थी और अचानक एक दिन उसके अंकल जेल से छूटकर घर आते हैं। अंकल उसी घर में रहने लगे। वो बोल नहीं सकता। उसके गले में हमेशा एक नीले रंग का स्कार्फ बंधा हुआ होता है। उसे किसी बीमारी की वजह से सज़ा ख़त्म होने से पहले ही जेल से छोड़ दिया गया। दोनों बहुत ही अजीब तरह से एक घर में रहने लगते हैं, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि इप्सी के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो उसके लिए प्रोटेक्टिव होने लगा, उसकी देखभाल करता, उसे खाना खिलाता, नहलाता। इप्सी जो कहीं गुम और बेजान सी हो गई थी, अंकल के आने के बाद उसमें बदलाव आने लगे। उनकी देखभाल से वो धीरे धीरे खिलने लगती है। अंकल बहुत छोटे में ही घर छोड़कर भाग गए थे, पर जब वापस आए तब इप्सी के पिता और दादाजी रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। इप्सी बहुत छोटी थी, सिर्फ उसकी माँ उसके साथ थी। और अब इतने सालों बाद जेल से छूटकर वापस आए हैं। अब इप्सी बड़ी हो चुकी है, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। एक दिन मिस्टर किम, जायोंग और चर्च मैनेजर शिन इप्सी के घर एक मीटिंग रखते हैं और मैटर होता है अंकल, जिसमें मिस्टर किम एक रेपिस्ट और मर्डरर का इस तरह इप्सी के साथ अकेले रहने पे ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि असल में वो अब इप्सी को अब्यूज़ नहीं कर पा रहा। पर कौन इप्सी के साथ रहेगा, शिन इसका डिसीजन इप्सी पे छोड़ता है। यहाँ शिन अकेले में अंकल से बात करता है। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर, जिस वजह से तुम जेल गए थे वो अब पुरानी बात हो गई है। तुम यहाँ रह सकते हो। तुमने इप्सी की माँ से प्यार किया था और प्यार करना कोई जुर्म नहीं। इप्सी और अंकल के बीच इस अजीब बॉन्डिंग का कोई नाम नहीं दे सकते। पहली बार किसी ने सच में उसके लिए सोचा है और इसी वजह से वो अंकल को पसंद करने लगी। वो उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है, वो खुश रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन पुलिस ऑफिसर चा इप्सी के घर आकर कहता है उसे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबर मिली है।
फिर वो अंकल से कहता है, इप्सी को पता होना चाहिए कि जिस रेप और मर्डर केस में तुम्हें सज़ा हुई थी वो दरअसल उसी की माँ थी। अगर ये बात उसे पता चल गई तो, और दोबारा से तुम इप्सी के साथ वही करना चाह रहे हो। ये सब बात बाहर फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगले दिन अंकल ने इप्सी के लिए अच्छा सा खाना बनाया और उसे फाइनली गुड बाय बोलकर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता इस तरह से इप्सी को उसके पास्ट के बारे में पता चले। इप्सी बहुत रोती है, सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। फिर एक रात चर्च मैनेजर शिन इप्सी के घर आया और इप्सी को उसके फैमिली के पास्ट के बारे में बताने लगा। इप्सी के पिता के गुजरने के बाद कई लोगों की बुरी नज़र उसके माँ पे थी, क्योंकि वो जवान के साथ खूबसूरत भी थी। जब एक दिन उसके पिता के भाई यानी उसके अंकल वापस आ जाते हैं, सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। मैं भी तुम्हारी माँ को बहुत पसंद करता था, पर अंकल के आने से वही तुम दोनों का ख्याल रखने लगा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो मैं ही था जिसने ये झूठी खबर फैलाई कि तुम्हारी माँ एक बहुत ख़राब औरत है, उसका तुम्हारे अंकल और कईयों के साथ नाजायज संबंध है। इससे तुम्हारी माँ की बदनामी होने लगी। फिर एक दिन कुछ लोग घर में घुस आए और इप्सी की माँ के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। अंकल जो उसकी माँ से प्यार करता था उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये लोग उसकी माँ को शांति से कभी नहीं रहने देंगे, इसीलिए उसने उसकी माँ को गला दबाकर मार डाला। यही उसकी मुक्ति थी। इप्सी भी अपनी माँ जैसी दिखती है और अभी तक शिन उसकी देखभाल इसीलिए करता है क्योंकि उसे इप्सी पसंद है। लेकिन एक बार फिर से अंकल उनके बीच आ गया, पर इस बार उसने ठान ली कि वो अपने प्लान में पानी फिरने नहीं देगा। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर को उसने ही भेजा था अंकल को यहाँ से भगाने के लिए। तुम्हारी माँ को तो मैं नहीं पा सका, पर अब तुम बस मेरी हो और मुझे ही मिलने चाहिए। ये कहकर वो अपने कपड़े निकाल लेता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही अंकल वहाँ पहुँच जाता है जो बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। शिन कहता है, तुम्हें हमेशा गलत वक्त पे आने की आदत है। दोनों के बीच लड़ाई हुई जिसमें शिन मारा गया। उस रात इप्सी को एक बहुत ही अजीब सपना आया। वो अपने बिस्तर पे लेटी है, एक मक्खी उसके पास उड़कर आई और फिर उसने उस मक्खी को निगल लिया। अगली सुबह वो अजीब हंसी के साथ उठती है, जैसे उसे समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। बाथरूम में दोनों साथ होते हैं और वो उसे अपने सपने की बात बताते हुए आगे क्या करना है कहती है। सुबह केयरटेकर जा योंग अंकल को देखकर चौंक जाती है। दोनों मिलकर जा योंग को हॉस्टेज बना लेते हैं। फिर मिस्टर किम को बुलाया जाता है। रूम में घुसते ही उसे बिना कपड़ों में इप्सी बेड पर लेटी दिखती है। उसे इस तरह देखकर इस बात से अनजान कि अंकल और जा योंग भी वही है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसकी भी इप्सी पे बुरी नज़र थी। मिस्टर किम को भी हॉस्टेज बना लिया जाता है और फिर जा योंग को मौका देते हैं, या तो वो खुद मरे या मिस्टर किम को मार दे, और वो किम को मार देती है। अब बारी आती है उन बदमाश लड़कों की जो आधी रात को इप्सी के कमरे में घुसकर उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे। उस रात वो दोबारा घुसे इप्सी को अब्यूज़ करने, लेकिन एक एक कर अंकल उन चारों को भी मार देता है। इधर पुलिस ऑफिसर चा मैनेजर शिन को खोजता हुआ इप्सी के घर आया। वहाँ अंकल को देखकर वो उस पर फिर से इल्ज़ाम लगाने लगा और कहने लगा, मुझे यंग स्कूल के बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं, जैसे जब इप्सी बच्ची थी, मतलब उसने भी इप्सी के साथ गलत किया है। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें पुलिस और केयरटेकर जा योंग दोनों मारे जाते हैं। साथ ही अंकल को भी गोली लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इप्सी किसी तरह खुद को घसीटते हुए बाहर निकलती है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। इप्सी की हालत भी उसकी माँ जैसी थी, जिसे सब नोच खाना चाहते थे, लेकिन यहाँ इप्सी शिकार की बजाय एक शिकारी निकली। सबसे कमज़ोर होने के बावजूद उसने सबसे बदला लेकर उस हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने दिया। इप्सी है तो पौधा, लेकिन एक जानलेवा पौधा। तो दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।